हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप अच्छे होंगे सो so, कल के क्लास में हमने कॉन्सेप्ट टाइम नंबर टू जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की वो हमें कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में देखा फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन टू पॉइंट वन एंड नाउ टुडे वी विल सी टू पॉइंट टू एंड नेक्स्ट टॉपिक सो टू पॉइंट टू इज़ व्हाट काइंड मटीरियल विल यू यूज टू मेक ए बॉक्स टू कैरी थिंग्स ऑन अ रेनी डे गिव ए रीजन टू सपोर्ट योर आंसर अगर हमें कोई कौन सी मटीरियल का कोई भी एक चीज लेनी है जो बॉक्स बनाना है जो रेनी डे है उसमें एक बॉक्स में सभी चीज लेके जाना है तो आप वो बॉक्स कौन से मटीरियल का बनाओगे ऐसा कोई भी मटीरियल चलेगा जिससे वो गीला ना हो जैसे प्लास्टिक है मेटल है कोई भी मटेरियल चलेगा जो पेपर और कार्डबोर्ड जैसे मटेरियल है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो so, वो नहीं चलेगा सो so, कोई भी वाटर प्रूफ uh, ले सकते हो आप दैट्स इट सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ डू वी डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स सो मतलब uh, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और अगर आपको किसी को ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे सो ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ये जो अभी ऑब्जेक्ट उब, है स्पून है एक इसको ऑब्जर्व करो और नाउ अभी मैं आपको कि इसको फैमिली में से किसी और को आप एक्सप्लेन कि ये स्पून है राइट तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वी विल से कि ये स्पून है फिर ये हार्ड मटेरियल से बना हुआ है थोड़ा सिल्वर कलर का दिखता है थोड़ा शाइनी है ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते बाय लुकिंग एट दैट स्पून सो टू डिस्क्राइब द स्पून वी वुड यूज सच वर्ड स्मूथ शाइनी हार्ड सिल्वर सो वो सब जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज है स्पून की वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो स्मूथ टेक्स्चर है उसका शाइनी टेक्स्चर है हार्ड बनी हुई एकदम सॉफ्ट नहीं है कैसे मुड़ जाए फिर सिल्वर कलर का है ऑबजेक्ट एंड टू कैन डिस्क्राइब इटी सो वी कैन डिस्क्राइब एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर फॉर एग्जाम्पल मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर डायमंडरस इन नेचर लस्टर मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना शाइनिंग है वो दिखाता है लस्टर इज शाइनिंग लस्टर डिस्क्राइब हाउ शाइनी एन ऑब्जेक्ट इज तो मतलब जो शाइनिंग चीजें होती है जैसे गोल्ड है सिल्वर है डायमंड उसी सभी चीज में शाइनिंग होगी तो वो क्या डिस्क्राइब कर रही है लस्टर जो स्पेशल वर्ड फॉर शाइनिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज लस्टर सो फर्स्ट इज लस्टर सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस हार्डनेस डिस्क्राइब हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू बैंड और स्ट्रेच एन ऑब्जेक्ट जो हार्डनेस होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है कि ये मटीरियल जो है वो ईजीली बैंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा स्ट्रेच कर पाएंगे नहीं होगा वो ऐसे ही रहेगा सो फॉर एन एग्जाम्पल स्टोन और मेटल जो होता है स्टोन है वो उसको हम बैंड नहीं कर सकते उसको खींच नहीं करके खींच के लंबा नहीं कर सकते स्ट्रेच नहीं कर सकते सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस फर्स्ट इज लस्टर सेकेंड इज हार्डनेस नव थर्ड टेक्सचर, टेक्सचर डिस्क्राइब हाउ रफ और स्मूथ एन ऑब्जेक्ट फील्स अपॉन टचिंग जो टेक्सचर होती है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो ऑब्जेक्ट uh, है जो कोई भी मटीरियल है वो स्मूथ टेक्सचर का है रफ टेक्स्टर का है फॉर एन एग्जाम्पल मटीरियल सच एज वुड एन रफ वायल मटीरियल कई कपड़ कपड़े ऐसे होते हैं जो स्मूथ होते एकदम हमको बहुत पसंद आता है कई कपड़ ऐसे भी है जो हमको पसंद नहीं आते हैं जो रफ अराउंड होते हैं फिर वॉल्स जो घर के अंदर होती है वो स्मूथ होती है एकदम अगर बाहर की वॉल देखो तो वहाँ पे रफ टेक्सचर होता है ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वुड और सीमेंट का जो वो रफ है बट सिल्क का कापड़ साटिन का कापड़ वो स्मूथ होता है मतलब टेक्सचर क्या डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट जो हब, हम हम टच कर रहे हैं वो स्मूथ टेक्सचर से बना हुआ है वो स्मूथ फील हो रहा है हाथ को या रफ फील हो रहा है सो so फर्स्ट था शाइनिंग लस्टर जिससे शाइनिंग डिस्क्राइब करते हैं हार्डनेस जिससे पता चलता है कि वो इजीली बेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा स्ट्रेच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा धैन थर्ड इज टेक्स्टर की रफ टेक्स्टर है कि स्मूथ टेक्स्टर है राइट सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल लस्टर हार्डनेस टेक्स्र लस्टर डिस्क्राइब शाइनी हार्डनेस बैंड एंड स्ट्रेच टेक्स्टर रफ एंड स्मूथ सो वी लर्न नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल सो आफ्टर दैट पॉज दिस वीडियो एंड रीड योर कॉन्सेप्ट टाइम नंबर थ्री

है अगर हार्ड हार्डनेस की बात करें तो दो टाइप्स हो सकते हैं हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल जो हार्डनेस की बात करें अगर वो बेंड हो रहा है स्ट्रेच हो रहा है तो वो सॉफ्ट मटेरियल होगा जैसे कोई भी रबर है कोई भी स्पॉन्ज है कॉटन है वो कैसे भी कर सकते हो वो हार्ड नहीं है वो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट मटेरियल और जैसे स्टोन है मोटल है वो सब हार्ड मटेरियल है जैसे ये लस्टर जैसे गोल्ड है सिल्वर है कॉपर की बात करें तो दे आर शाइनिंग लस्टरियस मटेरियल अगर पेपर क्लोथ स्टोन वो सब शाइन नहीं करे तो उसको नॉन लस्टरियस बोल सकते हैं वैसे रफ एंड स्मूथ रफ जो ट्री है सैंड पेपर जूट है वो सब रफ है फिर कई बार ग्लास देखो कोई स्पून जो मेटल का बना हुआ है प्लास्टिक वो सब चीजें स्मूथ है

शाइन नहीं कर रहा है और सॉफ्ट मटेरियल है वो है पेपर एंड स्प आप दूसरा भी लिख सकते हो क्लोथ होता है किचन में फिर वुड होता है दैट इज नॉट सॉफ्ट सॉरी सो क्लोथ लिख सकते हो रबर लिख सकते हो दे आर डॉन लस्टर सॉफ्ट

स्वीट हो जाता है तो क्या होता है कि शुगर जो होती है वो मिल्क में डिजोल्व हो जाती है राइट right? सिमिलरली अगर जो पानी है उसमें सॉल्ट डाले तो आफ्टर सम टाइम वेस्टीर द वॉटर एंड हम देखते हैं कि जो सॉल्ट है वो वॉटर के साथ मिक्स हो गई है तो मतलब वो सॉल्ट डिजॉल्व हो गई है पानी में ऐसे भी कह सकते हैं राइट right? सो द एबिलिटी ऑफ मटीरियल इन अधर मटीरियल सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई एक मटीरियल के पास ऐसी ताकत है ऐसी शक्ति है कि वो दूसरे मटीरियल को अपने अंदर समा ले डिजोल्व कर दे पूरा सो द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू डिजोल्व इन अदर मटीरियल जैसे पानी के पास एबिलिटी है कि वो सोल्ट को अपने अंदर डिजोल्व कर ले राइट right?

राइट right? जो शुगर है दैट इज सॉल्यूबल अगर मड है रेत है उसको पानी में डाले तो वो इन क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाएगा वो ऐसे ही अलग रहेगा सो नॉट ऑल मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर शुगर इज सॉल्यूबल वाइल मड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर सो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट वन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी

उसमें लेफ्ट साइड पे सब्सटेंस एडेड इन वाटर कोई भी सब्सटेंस लो वो वाटर में ऐड करो फिर हमको देखना है कि वो डिजॉल्व है या नहीं है सो इफ वी टेक ऑल द सब्सटेंस लाइक दिस सैंड बेकिंग पाउडर चॉक पाउडर फिर विनेगर लेमन जूस एंड वेजिटेबल ऑयल अगर वी टेक दिस सेवन ऑब्जेक्ट सेवन सब्सटेंस अगर शुगर लिया शुगर को वाटर में डाला मिक्स किया तो वो डिजल होगा या नहीं होगा यस इट विल डिजोल्व अगर सैंड लिया पानी में डाला वो डिजल्व होगा कि नहीं होगा नहीं होगा सैंड विल नॉट डिजोल्व इन वाटर बेकिंग सोडा वो लिया वो पानी में डाला बेकिंग सोडा को वो डिजोल्व होगा या नहीं होगा यस वी कैट डिजोल्व अगर यू कैट अंडरस्टैंड वॉट्स हैपनिंग हेयर जैसे बेकिंग सोडा का आपको अगर पता नहीं हो तो ट्राई एट योर होम पानी लो एक गिलास में उसमें पुट सब बेकिंग सोडा एंड ट्राई टू डिसॉल्व इट विल डिसॉल्व फिर चॉक होता है उसको थोड़ा तोड़ दो और पाउडर जैसा बना दो और उसके वो भी पानी में डालो तो वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा शुगर के जैसे चॉक पाउडर डिसॉल्व नहीं होगा देन विनेगर विनेगर पता है सभी को एक अ uh, लिक्विड आता है विच वी यूज़ टू पुट इन ऑल द चाइनीस फूड एंड राइट तो वो अगर पानी में डाले तो वो डिसॉल्व हो जाएगा लेमन जूस की बात करें तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा और वेजिटेबल ऑयल कोई भी ऑयल पानी में डाले तो वो मिक्स नहीं होगा डिसॉल्व नहीं होगा सो so, अगर पूरी देखें सेट चॉक पाउडर एंड वेजिटेबल ऑयल ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व नहीं होगी यस, हियर इट इज सेंट चॉक पाउडर एंड वेजिटेबल विल नॉट डिज़ोल्व विद द वाटर बट शुगर बेकिंग सोडा विनेगर एंड लेमन जूस विल गेट इजीली डिज़ोल्व विद द वाटर। सो वी डेड अ स्मॉल एक्टिविटी टाइप बट समझ आए तो ठीक है वरना ट्राई टू डू इट विथ यदि योर होप कि ये सभी चीज लो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में और ट्राई टू डिजॉल्व इन द वाटर पानी है पानी में मिक्स करने से ट्राई करना जो चीज़ मैंने बोली है वो मिक्स हो जाएगी जो नहीं होगी नहीं बोली है वो मिक्स नहीं होगी सो बेस्ड ऑन सो वी क्लासिफाइड दिस मटीरियल बेस्ड ऑन वॉट दे डिजोल्व और नॉट डि मटीरियल सोल्यूबल इन वॉटर डिजोल्व इन जो सॉल्यूबल होगा वो डिजोल्व हो जाएगा और जो इन सॉल्यूबल होगा वो डिजोल्व नहीं होगा राइट सो फॉर्थ पॉइंट टू थिंक एंड राइट टू वेज इन विच द नॉलेज ऑफ सॉलिबिटी इज यूजफुल इन योर लाइफ जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर से आप एक नॉलेज से दो वेज लिखो जिससे आप सॉलिबिटी यूज कर सकते सो so, वॉश जो डिटर्जेंट होता है वो सोल्यूबल है इसकी वजह से वो साबुत जैसा पानी झाग वाला पानी बनाता है जो फ्रूट्स होते हैं वी कैन मेक फ्रूट्स ड्रिंक बिकॉज शुगर सॉल्ट एंड फ्रूट जूस आर सोलबल इन वाटर सभी चीजें सॉल्यूबल है वाटर के अंदर इसीलिए वो हम सॉल्ट शुगर और फ्रूट जूस

4.1, 4.2 वन फोर एंड फोर ये पूरा करके आज भेजना है इफ एक बात अगर और ध्यान रख लो कि अगर मैंने नहीं बोला है कि आज ये होमवर्क नहीं ऐसे है तो आप जो क्लास में करवाया वो एक बार लिख के मेरे को भेजना है 2.1 करवाया था कल तो वो होमवर्क होगा ना ऑब्वियसली तो वो भेज देना अगर कई बार भूल जाओ तो नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इन माइंड बट अगर सो आज के होमवर्क में 2.1 2.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन